नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। अजीब दास्ता है हमारे प्रदेश हमारे देश की। हर बार यही होता है, आग लगने पर कुआं खोदना। हर किसी को पता है, सरकार को पता है, कोर्ट को पता है कब किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन हर बार चीजों की खोज तब शुरू होती है जब उनके बिना हालात बिगड़ने लगते हैं। और होता यह है कि चीजों को दुरुस्त करते करते वक्त ही निकल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रैन बसेरू की। हमारी टीम ने हरियाणा के डेवलपमेंट का ऑनलाइन कही जाने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम के रैन बसेरू का जायजा लिया, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो दूसरों को सहारा देने के लिए बनाए गए रैन बसेरू को खुद सहारे की जरूरत है। सर्दी ने दस्तक ही नहीं दी, सर्दी अब लोगों को कपकपाने को लेकर तैयार बैठी है। लेकिन इन सब के बीच रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को अभी से ठंड की मार झेलनी पड़ रही है। रैन बसेरा यानी जहां रात बसर हो जाए। सर्दी के मौसम में जहां रात कट जाए वही होता है रैन बसेरा। लेकिन अगर बात करें गुरुग्राम की तो यहाँ 7 रैन बसेरे हैं, लेकिन एक भी रैन बसेरा शुरू नहीं हो पाया है। अगर कोई शुरू भी किया गया है तो सिर्फ नाम का। 7 रैन बसेरों में भीमनगर शीतला माता मंदिर रेड क्रॉस रैन बसेरा चलाए जा रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर यहां लोगों के लिए रजाई गद्दे तक उपलब्ध नहीं है। वहीं शौचालय की व्यवस्था भी नहीं दिखाई देती। हालांकि शीतला माता मंदिर भीमनगर के रैन बसेरों में लोगों को रात का खाना मिल जाता है। खाने का बंदोबस्त समाज सेवी संस्थाएं होटलों या ढाबों की तरफ से किया जाता है। गुरु सर्दी में 40-50 ये होते हैं, लास्ट तक में जब हेवी होने लग जाता है तो 80-85-100 का एवरेज हो जाता है। उसमें दो बाथरूम है, एक बाथरूम है, दो टॉयलेट है। पब्लिक ज्यादा होती है तो दिक्कत होता है। उनको माता मंदिर में भेजने की कोशिश करते हैं। शीतला माता मंदिर वाली रैन बसेरे में चल जाओ, वहाँ माता मंदिर में आपका व्यवस्था हो। अगर बात करें रेलवे स्टेशन इफ्को चौक और राजीव चौक के रैन बसेरों की तो वहाँ आपको तालों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि ये रैन बसेरे अस्थायी हैं, इनको चालू होने में अभी कई दिन और लगेंगे। अस्थायी होने की वजह से व्यवस्था भी ज्यादा लोगों के रुकने की नहीं है। वहीं कन्हई के रैन बसेरे में अभी तक रजाई गद्दे तक नहीं पहुंचे हैं। जो अस्थायी रैन बसेरे हैं वहां पर रात ठहराव का समय शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक होता है। वहीं स्थायी रैन बसेरों में कभी भी जाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन के रैन बसेरे के बाहर तो गंदगी का अंबार देखने को मिलता है। इस अस्थायी नाइट शेल्टर को गंदगी के बीच में बनाया गया है। यही वजह है कि देश भर में सर्दी की रात में छत न मिलने से कई सौ मौतें हर साल होती है। सुप्रीम कोर्ट में रैन बसेरों के चल रहे मामले में हरियाणा सरकार को फटकार भी लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार प्रदेश में 6107 रैन बसेरे हैं। 3 साल पहले भी प्रदेश में इतने ही रैन बसेरे थे, तो आप अंदाजा लगा लें कि सरकार रैन बसेरों को लेकर कितनी संजीदा है। गुरुग्राम से अनिल मोर की रिपोर्ट। तो देखा आपने रैन बसेरों पर ये रिपोर्ट, जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इनको खुद सहारा लेने की जरूरत है। यहाँ पर लोग, गरीब जनता शरण के लिए आती है, सहारे के लिए आती है, लेकिन इनके हालातों को देखकर ये कहा जा सकता है कि इन्हें खुद सहारे की जरूरत है। सर्दी का सितम शुरू हो गया है, ठंड में फिर सताने लगी है रैन बसेरों की आग। रैन बसेरों को खुद सहारे की दरकार है। रैन बसेरों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। रैन बसेरों में ताले लगे हैं। रैन बसेरे के बाहर सोने को मजबूर है गरीब लोग। बाहर गरीब और अंदर पशु सोते हैं। कब सुधरेंगे हालात, कब बंद होगा आग लगने पर कुआं खोदने का काम? हालात बिगड़ने से ही क्यों इनकी नींद टूटती है और सहारे की जरूरत सहारे को आखिरकार क्यों है?
संवाददाता हमारे साथ राजेंद्र धैया बल्लभगढ़ से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, रैन बसेरों की बात की जाए तो बल्लभगढ़ में कितने रैन बसेरे हैं और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि कितने सुचारू हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सुचारू की आप बात कह रहे हैं तो सुचारू एक भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से यहाँ पर कोई भी सुविधा उनमें यहाँ पर प्रशासन की तरफ से उपलब्ध नहीं कराई गई है, और जो इवन यहाँ पर जो शौचालय बनाए गए हैं वो भी इतनी खस्ता हालत में है कि वहाँ पर जाना भी संभव ही नहीं है। और बात करें जितने भी यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं जो रात में सड़कों पर सोते हैं, तो उनके लिए वहाँ रात में जो चौकीदार वगैरह कोई भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और जो सिटी पार्क में बना रैन बसेरा है उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक यहाँ पर बनी हुई। जी, ऐसे में अगर बात की जाए राजेंद्र, क्या प्रशासन को इस बात की इत्तला नहीं है, जानकारी नहीं है कि रैन बसेरों की हालत ऐसी है, और खासतौर पर इस समय जब सर्दी का सितम है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है रैन बसेरों की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सर्दियों का मौसम शुरू हुए भी काफी दिन हो गए हैं, और जिस तरीके से सर्दी अब ज्यादा भी पड़ रही है, तो उसके बावजूद भी प्रशासन की नींद अभी तक यहाँ नहीं खुली है, और जो उनकी हालत बनी हुई है रैन बसेरों की वो वाकई चिंताजनक है। क्योंकि जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं वो कहाँ अपनी रात गुजारे, कहाँ किस तरीके से वो अपना जो रात, जिस तरीके से सारे दिन वो इधर उधर घूमते रहते हैं, और रात में जब कई ऐसे भी लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल भी पड़े दिखाई देते हैं रोडों पर, तो उनके लिए भी बड़ी मुसीबत यहाँ पर जो है बनी हुई है। राजेंद्र, खामियों की बात की जाए तो क्या क्या खामियां इन रैन बसेरों में अक्सर देखने को मिल रही है, वो कौन सी खामियां हैं जो हर साल बनी रहती हैं और उसको सही नहीं किया गया अभी तक? देखिए, ना तो यहाँ पर बिस्तर है लोगों के लिए, और दूसरा यहाँ शौचालयों की बात करें तो शौचालय बहुत जरूरी अहम चीज है, तो शौचालय की सरकार दुहाई भी देती है कि भाई शौच मुक्त करेंगे, लेकिन शौचालय भी यहाँ इनकी हालत इतनी खस्ता है कि कोई जा नहीं सकता है। दूसरा अगर बात करें पानी की, तो पानी की व्यवस्था भी वहाँ पर आमतौर पर जो ज्यादातर वहाँ जो रैन बसेरों में देखी गई है तो नहीं है, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, अगर आदमी वहां जाए तो किस तरीके से अपनी रात गुजारे, कुछ भी वहां पर इंतजाम नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत खामियां हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अनिल मोर भी है हमारे साथ। अनिल, आपने पूरी कवर की है स्टोरी, रैन बसेरों की हालत कैसी है, खुद ये सहारा ढूंढ रहे हैं, क्या कुछ खामियां पाई आपने? देखिए, अगर रैन बसेरों की बात करो, रैन बसेरों के लिए फिलहाल लगता नहीं कि गुरुग्राम या गुरुग्राम प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कुल 7 रैन बसेरे गुरुग्राम में बनाए गए, उन 7 रैन बसेरों के वास्ते सबसे पहले अगर मैं आपको राजीव चौक और इसको चौक के रैन बसेरों की बात करूँ, रैन बसेरे अब तक चालू ही नहीं हुए। वहीं अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन पे जो रैन बसेरा बनाया गया, पोर्टेबल वो रैन बसेरा है, अस्थायी रैन बसेरा वो है, लेकिन वो भी अभी चालू नहीं हुआ, और बिल्कुल गंदगी के बीच में वो रैन बसेरा बनाया गया। इसके अलावा जो रेडक्रॉस रैन बसेरा वो चालू हो रखा है, लेकिन वहाँ पे अभी लोग आने स्टार्ट नहीं हुए। हालांकि जो भीमनगर का रैन बसेरा सुविधाओं के लिहाज से, व्यक्तियों के लिहाज से, वो रैन बसेरा दूसरे रैन बसेरों से ठीक हालत में है। उसकी हालत ठीक है, वहाँ पे रजाई गद्दे भी लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं, वहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था भी है। हालांकि वहाँ पे लोगों को रात्रि के लिए खाने भी मिल जाते हैं, उस खाने की व्यवस्था सामाजिक संगठनों की तरफ से, ढाबों की तरफ से की जाती है। इसके अलावा अगर कन्हई के रैन बसेरे की बात करें, स्थायी रैन बसेरा यह है, लेकिन अभी तक ये भी चालू नहीं हुआ। हालांकि अगर आप वहाँ पे जाएंगे रैन बसेरा आपको खुला जरूर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ पे लोग आने स्टार्ट नहीं हुए। यानी आप मान लीजिए कुल 7 रैन बसेरों से जो 4 रैन बसेरे तो अभी तक चालू हुए नहीं है, जो 3 रैन बसेरे उन 3 रैन बसेरों से सिर्फ एक में ही अभी लोग आने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, आपने ये तो बताया कि गुरुग्राम में हालत कैसे हैं, और अनिल क्या कुछ और खामियां दिखी, क्योंकि ना शौचालयों की व्यवस्था, ना पीने के पानी की व्यवस्था, और जो सबसे अहम, सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है, सर्दी का सितम हो रहा है, लेकिन वहां पर जो बिस्तरे होने चाहिए, रजाई गद्दे होने चाहिए, वो भी उपलब्ध नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए हम 3 रैन बसेरों की बात करें, सबसे पहले भीमनगर रैन बसेरा, शीतला माता मंदिर रैन बसेरा, और जो कन्हई में रैन बसेरा। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे गद्दे पहुंच चुके हैं, रजाई लोगों को मिल रही है, यहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था भी, लेकिन जो बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था, जो साफ सफाई होनी चाहिए, वो वहाँ पे साफ सफाई की बिल्कुल खामी आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसके अलावा जो दूसरे रैन बसेरे है वो अस्थायी रैन बसेरे, उन अस्थायी रैन बसेरों में आपको नहाने की, और अगर आपको शौचालय जाना है उसके लिए कहना कि आपको परेशान जरूर होना पड़ेगा। हालांकि वहाँ पे अस्थायी टॉयलेट भी लगाई गई, लेकिन एक टॉयलेट से काम नहीं वहाँ पे बनेगा, क्योंकि अगर 25 से 30 लोग आ जाते हैं एक बाथरूम में, अगर आप वहाँ पे नहीं नहा सकते, तो ऐसे में दूसरे जो रहने वहाँ पे आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
और जो सबसे महत्वपूर्ण है साफ सफाई। अगर आप रेलवे स्टेशन के रैन बसेरे पे जाएंगे तो वो बिल्कुल गंदगी के बीचों बीच बनाया गया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साफ सफाई को लेकर कितना प्रशासन अलर्ट से है। बिल्कुल शुक्रिया अनिल आपका, आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसके लिए शुक्रिया। और वाकई में सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार इन रैन बसेरों का कौन सहारा है और इन रैन बसेरों का क्या होगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, यहाँ पर सहारे को सहारे की जरूरत है, लेकिन ये जरूरत क्यों क्यों याद आती है सिर्फ सर्दियों में इनकी, और क्यों ये बेसहारा लोग अब भी सहारा ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ माही शर्मा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। माही जी बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। माही जी, जिस तरह से हम देखते हैं हर साल रैन बसेरों की स्थिति कैसी होती है, कई बार हम इसको लेकर रिपोर्ट भी पेश कर चुके हैं, लेकिन जब बात आती है गरीब लोगों की, वो बाहर सड़क पे सोते हैं और वहीं पर वो मर भी जाते हैं, कोई सहारा नहीं है उनका। अभी रैन बसेरे बनाए तो जाते हैं लेकिन इनका फायदा नहीं है, ये खुद सहारा ढूंढ रहे हैं। देखिए, रैन बसेरे जो बनाए गए गरीब लोग जो सर्दियों में फुटपाथ पे सोते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह की ये चीजें बनाई गई थी, जिसके लिए स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सख्त निर्देश दिए थे कि इनको अच्छी तरह से बनाया जाए और रख रखाव किया जाए। कुछ जगह पे तो ये सिर्फ कागजों में ही बने हैं, प्रमाणिक तौर पे ये नहीं बने हैं, और जिस कुछ जगह पे जहाँ ये बने हैं उनके रख रखाव की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ आदमियों से ज्यादा जो सड़कों पे घूमने वाले जानवर होते हैं वो घुसे हुए होते हैं, वहाँ शराबी लोग पड़े हुए होते हैं। बताइए, गरीब लोग या जो महिलाएं होती हैं इधर उधर काम करने वाली जिनके पास सोने के लिए जगह नहीं होती, वो कैसे वहां जाके सो सकती हैं। वहां पर इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि अगर कोई एक रात वहां सोएगा तो वो बुरी तरह से बीमार हो जाएगा। रैन बसेरे बना तो दिए गए हैं, लेकिन क्या हमारी सरकार का या हमारे प्रशासन का ये कार्य नहीं बनता कि उन रैन बसेरों का रख रखाव भी अच्छे से किया जाए? जबकि एक बहुत मोटी रकम हर साल उसके रख रखाव के लिए दी जाती है हमारे सरकारी कोष से, तो कहाँ जाती है वो रकम या किसकी जेब में जाती है वो रकम? क्योंकि इन रैन बसेरों का हाल देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उनके ऊपर कुछ भी खर्च किया जाता है। इन गरीब लोग जिन लोगों के लिए ये रैन बसेरे बनाए गए हैं, उन लोगों का ये कहना होता है कि इनमें सोने से बजाय, इनमें सोने की बजाय हम बाहर फुटपाथ पे सोना ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा करते भी हैं। हमने खुद गुरुग्राम में जब हमारे संवाददाता पहुंचे वहां पर ये हालात जानने की कोशिश की, तो आप यकीन मानिए वहां पर ना शौचालय की व्यवस्था थी, ना बिस्तरों की व्यवस्था थी, ना पीने की पानी की व्यवस्था थी। ऐसे में जो लोग हैं ये क्या करे, फुटपाथ पर सोते हैं सिर्फ यही। इनसे जब पूछा गया कि आप वहां पर क्यों नहीं सोते, तो वो कहते हैं कि आप खुद जाकर देखिए वहां की स्थिति कैसी है। पूजा जी, पानी की, शौचालय की और बिस्तरों की बात तो बहुत दूर है, वहां पर इतनी गंदगी फैली होती है कि बंदा अगर नॉर्मली फर्श पे भी सोना चाहे तो वहां पे भी नहीं सो सकता। उसमें उनके अंदर इतनी तक सुविधा नहीं है कि कोई एक स्वीपर वगैरह लगा के या कोई जमादार लगा के उनकी सफाई तक कराई जाए। बताइए किस तरह कोई बंदा वहां पे सोएगा? ये रैन बसेरे सिर्फ कागजों में बड़े बड़े और बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनकी रख रखाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत पैसे, सिर्फ कागजों में ये चीजें हो रही हैं, प्रमाणिक तौर पे कुछ भी ऐसी नहीं है। खुद हमने कुछ ऐसे जगहों पे जाके देखा है जो रैन बसेरे लिखे हुए हैं, जो बने हुए हैं रैन बसेरे, लेकिन वहां लोग कुछ ही लोग होते हैं जो बाहर फुटपाथ पे सो रहे हैं। उनसे पूछा गया कि भैया रैन बसेरे बने हुए हैं वो आप लोगों के लिए ही बने हुए हैं, आप वहां जाके क्यों नहीं सोना चाहते हो? उनका भी यही जवाब होता है कि मैडम आप सो के देखिए एक दिन। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी इसके रख रखाव के लिए जिम्मेदार हैं, क्या वो एक रात वहां पे रहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी नहीं है कि बंदा वहां दो चार घंटे बैठ भी सके। रात भर वहां गुजारना तो बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों के लिए बनाई गई है चीजें सर्दियों में, जो लोग बाहर फुटपाथ पे मर रहे हैं, क्या सरकार या हमारा प्रशासन इसके लिए कोई आंसर देगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जवाब ले लेते हैं हम। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। नमस्कार सुनीता दुग्गल जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी नमस्कार। सुनीता दुग्गल जी, रैन बसेरों का जिक्र हम कर रहे हैं और खासतौर पर सर्दियों में इनकी याद ज्यादा सताने लगती है, क्योंकि बदहाली के आंसू ये रो रहे हैं। गुरुग्राम में जब हमने हालातों का जायजा लिया तो कोई भी ऐसा रैन बसेरा नहीं मिला जहां पर एक रात गुजारी जा सके। हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हमें भी जो है, क्योंकि मैं अभी वहां नहीं हूँ और बाहर से ही मुझे कहीं से कुछ मैसेज ये मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और उनकी संख्या ने पता करने की कोशिश की है। तो बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि इस तरफ मुझे लगता है कि
उतनी चिंता नहीं की गई जितनी सरकार को हमारी सरकार को करनी चाहिए थी। लेकिन अभी 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 जो क्योंकि अभी सर्दियां शुरू हुई हैं तो मुझे लगता है कि फिर भी ये अभी सही समय है और अभी भी हम इसको ठीक ठाक से अगर कर लेंगे तो हमारे जो बहुत से बाहर जो हमारे लोग हैं वो उनको बाहर जो है रात गुजारनी पड़ती है तो उनको ठीक ठाक माहौल मिल जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है इस बारे में जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं और जो कंसर्न जो हमारे मंत्री जी हैं उनसे बात करके और इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा जो है वो रैन बसेरा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जी सुनीता जी, उम्मीद करते हैं और आपने हालांकि इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये खामी है और उम्मीद करते हैं आप इस खामी पर जरूर ध्यान भी देंगे। वक्त ब्रेक का हो रहा है लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे इसी मुद्दे को लेकर और चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात आज रैन बसेरों की जिनको खुद को सहारे की जरूरत है लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इनका रख रखाव इनकी जिम्मेदारी जिन पर है वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रही जिसका खामियाजा ये गरीब आवाम भुगत रही है। फुटपाथ पर लोगों को अपनी रातें अपने दिन गुजारने पड़ते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो उनको जगह दी हुई है वो रहने लायक नहीं है। खुद गुरुग्राम में जब हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची वहां पर हमने यही जानने की कोशिश की कि कैसे तमाम खामियां वहां पर हैं और कोई वहां पर देखने वाला नहीं, कोई भी उस रखरखाव को करने वाला नहीं है। माही जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और खुद सरकार के प्रतिनिधि भी ये कह रहे हैं कि हाँ खामी है, वो इस बात को मान रहे हैं लेकिन ये खामी कब तक रहेगी, ये समस्या कब तक रहेगी, उसका समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं है पूजा जी। देखिए हर साल बल्कि हर साल के जब भी इन बातों को लेके कोई न्यूज चैनल ये चीजें उठाता है या कोई संस्था इन चीजों को लेके आवाज उठाते हैं तो हर बार यही बोल दिया जाता है कि हाँ हमें पता है खामी है और उसे जल्दी दूर कर लिया जाएगा, सिर्फ एक भरोसा दिला दिया जाता है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई कार्रवाई होती भी तो क्या ये हाल रहता रैन बसेरों का? अगर 2-4-6 महीने में भी उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए या थोड़ा जो पैसा उनके लिए हर साल खर्च किया जाता है अगर उसका 10% भी उस पर खर्च किया जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी उनकी हालत होगी। लेकिन अगर आप ये सिर्फ हालत गुड़गांव की ही नहीं है, सिर्फ गुरुग्राम की नहीं है, आप फरीदाबाद में देखिए, आप रोहतक में देखिए, कहीं भी जाके देखिए रैन बसेरों का सब जगह ही है, तो क्या हमारा प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है? अभी जैसे कि दुग्गल जी ने बताया कि इस पे हाँ बिल्कुल हम मानते हैं कि बहुत बुरे हाल है और उन्हें ठीक किया जाएगा लेकिन कब ठीक किया जाएगा मैडम? जब सर्दी से कुछ लोग मर जाएंगे क्योंकि लोग उसके अंदर सोना नहीं चाहते कि उसके अंदर जाके सोना पड़े, वहां इतनी बदबू है, वहां इतना बुरा हाल है कि लोग फुटपाथ पे सोना पसंद करते हैं। और ये कोई पहली सर्दी नहीं है सरकार के कामकाज में, 3 साल हो चुके हैं, इससे पहले भी सर्दी आई हैं लेकिन तब भी इन खामियों में कोई सुधार नहीं किया गया, यानी कि बल्कि हर साल सर्दियों में ही रैन बसेरों को लेके बातें ज्यादा आती है क्योंकि लोगों को सोने के लिए एक छत की जरूरत होती है और जब स्पेशली सरकार द्वारा हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनको एक जब छत दी जा रही है लेकिन वो छत सोने लायक नहीं है, वो रैन बसेरे सोने लायक नहीं है तो इसका काम कौन करेगा? हर साल ये बात उठाई जाती है और हर साल ये भरोसा दे दिया जाता है हाँ जी बिल्कुल करेंगे लेकिन वो भरोसा, वो जो आपको हमें एक ये कह सकते हैं कि बहकाया जा रहा है, वो कब तक बहकाया जाएगा और कब तक लोग यूं ही सड़कों पे मरते रहेंगे? क्या सरकार के किसी बाशिंदे के पास इसका कोई जवाब है? नहीं होता है मैडम। अगर जवाब होता भी है तो सिर्फ यही कह दिया जाता है कि बिल्कुल हम इस पे कार्रवाई करेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारी सरकार से और हमारे प्रशासन से कि कब तक, और इस साल, अगले साल, उससे अगले साल कब आप इस पे कार्रवाई करेंगे? कब वो लोग जो सड़कों पे सर्दी से मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कब उनके लिए कार्रवाई होगी? बिल्कुल, क्योंकि इसमें सिर्फ औपचारिकता पूरी कर दी जाती है, खाना पूर्ति कर दी जाती है लेकिन काम नहीं हो पाता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका माही शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। अब ऐसे में रैन बसेरों को लेकर कब सजग हमारा प्रशासन और सरकार होती है ये देखना होगा। इसी के साथ बड़ी बहस में इतना ही, नमस्कार।